अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिया था और उसकी थोड़ी सी क्वालिटी भी लो थी, लेकिन अब हम आपको सब्जेक्टिव देने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। पहले शॉर्ट देंगे और फिर इसके बाद हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। तो APL का मतलब ये होता है कि आपका शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन हैं, पेपर हैं, ठीक है, वो आपसे हम शेयर करेंगे। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए फाइल की तरफ आते हैं। आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन लगवाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं और आप लोग ये फाइलें पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट फाइलें जो हैं वो भी शेयर करता रहता हूँ, बाकायदा पेपर भी शेयर करता रहता हूँ। आपका एग्ज़ाम सेंटर में पेपर हो रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर हम उनसे लेके आप लोगों को जो पेपर शेयर कर देते हैं। मतलब आप लोग पेपर हो गया है फर्स्ट टाइम वालों का, और सेकंड टाइम वालों को हमने फर्स्ट टाइम का पेपर दे दिया है कि वो ताकि पढ़ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बोर्ड्स के हम पेपर देते रहते हैं, तो यकीन माने बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल लगती है। तो अब हम जो चैप्टर नंबर जो है 10 to 11 तक हम ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो दिखा रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह इसको रीड आउट करें। चैप्टर नंबर 10, ठीक है। और आप लोगों को ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल पे क्लिक कर दें, और एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि मुझे 100 लाइक चाहिए। और देखते हैं कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, 100 लाइक करते हैं या नहीं करते। अब मैं खामोश हो जाऊँगा, चैप्टर वाइज आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो शेयर करता रहूँगा और फाइल अपडेट करता रहूँगा, और आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। चलें जी, फाइल को रीड आउट करें, इसको पढ़ें और या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। जी डी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 आप लोगों ने लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 15-15 क्वेश्चन वो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पेपर आएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 आपसे शेयर करते हैं। चैप्टर नंबर 12 रीड आउट करें। 12 के 4 क्वेश्चन हैं, ये एक दफ़ा रीड आउट करें अच्छी तरह। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे के सारे रीड आउट करें अच्छी तरह, पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लें, शॉर्ट क्वेश्चन।
जी डी स्टूडेंट, ये अभी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ख़त्म होने लगे हैं और अब हम इंशाल्लाह लॉन्ग जो है वो क्वेश्चन शेयर करेंगे। इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज हमने 15-15 करके आप लोगों को शेयर किए थे, जो हम अपने बच्चों के टेस्ट लेते हैं एकेडमी में वो क्वेश्चन शेयर किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो शेयर किए आपसे। अब हम लॉन्ग आपसे शेयर करेंगे और फिर आपसे इजाज़त लेंगे। खामोश मैं इसलिए हो जाता हूँ कि आप लोग एक क्वेश्चन जो है अच्छी तरह रीड आउट कर लें, पढ़ लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये लास्ट वाला पोर्शन है, इसको अच्छी तरह पढ़ें और रीड आउट करें। नेक्स्ट जो है एपीएल लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है और ये जो थ्योरिकल्स और क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं। पहले वाला जो सारा के सारा जो ये डिब्बा नज़र आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। जी डी रेस्टूडेंट, ये नमेरिकल हैं आपके, इम्पोर्टेंट नमेरिकल्स, चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14 इम्पोर्टेंट जो नमेरिकल हैं वो आपको शेयर कर रहे हैं। ठीक है,
इसको अच्छी तरह रीड आउट करें, बल्कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये वाले चैप्टर नंबर 12 न्यूमेरिकल्स का जो है वो करें, 12 वाला, ठीक है। उसके बाद 12.5 है, एग्जांपल्स हैं, इसके बाद 12.1, 12.3, 12.5, 12.10, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 13 यहाँ से आपका न्यूमेरिकल लगना है। उसके बाद 30.1 यानी कि 13.1 यानी 13 और 13.3 ये आपकी एग्जांपल्स हैं, ये आपके न्यूमेरिकल हैं। 30.2, 30. फिर में है 2 है और 30.3, 30.6, 30. जो है 8 इम्पोर्टेंट जो हैं, और 30.9 और 13.10 जो है ये आपने करना है। चैप्टर नंबर 14, 14.1, 14.2 ये सारी एग्जांपल्स हैं। नीचे आप लोगों की एक्सरसाइज के ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं, न्यूमेरिकल हैं जो 40.1, 14 पॉइंट जो है आप लोगों का 14.8 न्यूमेरिकल, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। इसके बाद नीचे जो है, नीचे दिए गए सवालात के जो चूज़ इसको शो करने हैं ये लिख लें आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी अच्छी तरह पढ़ लें। ये आप लोगों ने रिव्यू कर लेने हैं, ठीक है, पढ़ लेने हैं, बताया हुआ है उन्होंने 10 चैप्टर है। उसके बाद ये वाले जो हैं आप लोगों ने रिव्यू कर लेने, ऊपर सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है जी, ये जल्दी पढ़ लें ये भी। इसके बाद हमारी ये वीडियो फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और हम आपसे लेंगे इजाज़त। और आपको कहा था कि हमें 100 लाइक चाहिए, अब देखते हैं कि हमें आप 100 लाइक देते हैं या नहीं देते।